हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की प्लास्टिक सर्जरीज करते रहते हैं। एक जो प्लास्टिक सर्जरी पेशेंट बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बहुत कराते हैं, वो है पेनिस की गर्थ को इंक्रीज़ कराना, यानी पेनिस की जो मोटाई है उसको कैसे इंक्रीज़ करें। तो बहुत से लोगों के मन में ये चाहत होती है कि पेनिस की गर्थ इंक्रीज़ करेंगे, उससे उससे सेक्सुअल प्लेजर बढ़ सकता है, वो देखने में अच्छा लगता है। बहुत से लोग, उनके साथी उनको चिढ़ाते हैं, कह के कि तुम्हारा पेनिस पतला है, छोटा है। तो पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम पेनिस की लेंथ को कैसे इंक्रीज करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेनिस की मोटाई को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके करने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो तरीका जो कि बहुत कॉमन, जो लोग कराना चाहते हैं लेकिन जो बिल्कुल काम नहीं करता, वो है मेडिसिंस। कि क्या कोई ऐसी दवाई है कि जो पेनिस को मोटा कर दे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी दवाई इन दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो पेनिस को मोटा कर पाए, या कोई ऐसा तेल अवेलेबल नहीं है जो पेनिस को मोटा कर पाए। हाँ, पेनिस को तेल से मसाज करने से उसमें ब्लड सर्कुलेशन जरूर इंक्रीज होती है थोड़े हद तक, लेकिन कोई भी पेनिस को मोटा नहीं कर सकता। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो इसको मेंशन सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि ये भी खुद भी सोचने की बात है कि अगर आप मेडिसिन लोगे, कोई गोली लोगे, तो उस गोली को क्या पता कि उसने किस चीज को मोटा करना है शरीर में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वो पेनिस में काम करती है, तो पेनिस में ही क्यों काम करेगी? आपकी उंगली को क्यों नहीं मोटा कर देगी? नाक को क्यों नहीं मोटा कर देगी? आंख को क्यों नहीं मोटा कर देगी? कान को क्यों नहीं मोटा कर देगी? तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज है। तो इसकी हमने पहली बार इसको डिस्कस किया कि दोबारा इस तरह के ना आपके मन में क्वेश्चन उठे ना हो, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं है। दूसरा तरीका है पेनिस को बड़ा करने का, पी शॉर्ट, पी शॉट। पी शॉट क्या होते हैं? अगर हमने पेनिस, ये पेनिस है और इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर इरेक्शन आती है, ये दो ट्यूब्स होती है जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि इनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो पेनिस खड़ा हो जाता है, इरेक्शन आ जाती है। तो अंदर इसमें पी शॉट में क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, पेनिस पेशेंट का खुद का ही ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, पेनिस को लंबा और मोटा करते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। आप इसमें बार बार जगह जगह इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब ये यहाँ जाते हैं तो पेनिस में एक ग्रोथ स्टिमुलस मिलता है, वो लंबा और मोटा हो जाता है। कितने टाइम तक, कितने सेशन, मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं, 5 से 6 सेशंस लेने पड़ते हैं। और उससे क्या होता है, कितना लंबा हो जाता है, ये 10 से 15% तक, जितना प्रेजेंट है उससे 10 से 15% लंबा और मोटा हो जाता है। साथ में इरेक्शन तो बेटर हो ही जाती है। तो अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते तो एक पी शॉट एक तरीका है। टाइम ज्यादा लगता है, 1 साल तक लग जाता है, लेकिन 10 से 15% थोड़ा कम मोटा करता है, लेकिन बिना सर्जरी के ये एक तरीका है जिससे पेनिस को लंबा किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों में इतनी पेशेंस भी नहीं है और ये जो मोटापन है बहुत ज़्यादा अचीव नहीं होता इससे, लेकिन पेनिस की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है उसकी, थोड़ा बहुत बिना सर्जरी के ये बेनिफिट कर सकता है। तो हमने देखा पी शॉट, और इसके साथ साथ शॉक वेव करके एक मशीन आती है, वो भी इसमें कुछ हद तक फायदा करती है। तो ये हमने नॉन सर्जिकल मेथड देखा पेनिस को लंबा और मोटा करने का। अब मैं वो मेथड बताऊंगा जो कि सबसे कॉमन है पेनिस को लंबा मोटा करने के लिए, क्योंकि आज हम गर्थ की बात कर रहे हैं, वो है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग क्या है कि कहीं से आप फैट लो, बॉडी से अपने ही फैट लेना पड़ेगा, मतलब पेशेंट का खुद का ही फैट लेना पड़ेगा और उसको पेशेंट के पेनिस में डाल दो। तो कैसे डालेंगे हम? हमने पेशेंट, जैसे ये मरीज है, इसके पेट से चर्बी लेते हैं, यहां से एक छोटा सा कैनुला डालते हैं, बिल्कुल पतले इंसिजन से, 1 या 2 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, इतना छोटा सा, उससे ही कैनुला डालते हैं, यहां से फैट निकाल लेते हैं पेशेंट का। तो फायदा ये हुआ कि कोई निशान नहीं आता पेट में, बिल्कुल आराम से यहां से फैट निकला जाता है। जहां से फैट निकलता है वो भी पेनिस के ऊपर से निकालते हैं, तो पेनिस थोड़ा सा लंबा भी दिखने लगता है उस कारण से। फिर उस फैट को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसको पेनिस के अंदर, जैसे ये पेनिस है और मैंने बताया ये ट्यूब्स है जिसमें इरेक्शन आता है, इन दोनों के बीच में यहां पर
और एज के बीच में यहाँ पर पेनिस के फैट को, पेनिस में फैट को डाल देते हैं जिससे पेनिस मोटा हो जाता है। इसके बहुत से वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल में डाले हुए हैं जो इमीडिएटली मोटा कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो पेनिस हमने फैट डाला वो इसके अंदर रहता है, उसको अपनी ब्लड सप्लाई कहाँ से लेता है, या तो स्किन से लेगा या नीचे जो कोरपोरा है यहाँ से लेगा, तो कितना फैट डाला जाता है। लेकिन बहुत सा फैट ऐसा होता है जो अपनी ब्लड सप्लाई ना तो ऊपर से ले पाता ना नीचे से ले पाता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब घुल जाता है वापस बॉडी में। बहुत से लोग जो ये सर्जरी नहीं करते वो ऐसे कहते हैं कि नहीं, ये तो दोबारा करना पड़ता है, इसको टॉप अप करना पड़ता है। जी नहीं, कभी भी इस सर्जरी को टॉप अप करने की जरूरत नहीं होती अगर आप इसको ठीक से करें तो। अगर मान लो इसमें क्या है कि हमने कहा कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कितना एब्जॉर्ब होता है? 30%। यानी आपने 100 ml मान लो फैट डाला तो उसका 30% एब्जॉर्ब हो जाएगा, 70% हमेशा तक रहेगा। तो ये आपको इतना ही चाहिए था, आप उससे थोड़ा ज्यादा डाल दो, बहुत ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज्यादा डालोगे तो वो वहां पे नुकसान करेगा। आपने उससे सिर्फ 30% ही एक्स्ट्रा डालना है जितना आपको लगता है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट गर्थ मिल जाएगी। लोग इसको क्यों ठीक नहीं कर पाते? मान लो किसी पेशेंट में 50 ml की जरूरत है उसको मोटा करने की, वो 50 ml ही डाल देते हैं, 50 ml का 30% एब्जॉर्ब हो जाता है, 35 ml रह जाता है पेनिस, फिर पतला दिखने लगता है, तो उसको दोबारा डालना पड़ता है। और ये बेसिकली एक तरह का ये भी है कि पेशेंट को ऐसे बताना, जी दोबारा करना पड़ेगा ताकि हमारे ऊपर ना, आप ओवर करेक्ट करो पेशेंट को। अगर आपको 50 ml चाहिए, आप यहाँ पे इसको 70 से 80 ml डालो, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ तरीका है, खास तौर पे जिन लोगों ने पिनाइल इम्प्लांट कराया हुआ है और उसके बाद हल्की पिनाइल इम्प्लांट से लंबा मोटा हो जाता है पेनिस, लेकिन उसको और मोटा चाहते हैं, तो ये एक तरीका है जो सेफ है, क्योंकि इसमें हम पेनिस को खोलते नहीं है, कहीं पे भी इंसिजन नहीं लगाते, तो आप इस तरीके से पेनिस को मोटा करा सकते हैं। लास्ट जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, वो बहुत से लोग चाहते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं नहीं, फैट ग्राफ्टिंग, क्योंकि जिनको फैट ग्राफ्टिंग वही लोग कर सकते हैं जो लाइपोसक्शन अपने क्लिनिक में करते रहते हैं, तो बहुत से लोगों के पास लाइपोसक्शन की फैसिलिटी नहीं है, करना नहीं आता, तो वो एक तरीका अपनाते हैं, उसको कहते हैं डर्मल फैट ग्राफ्टिंग। ये भी एक प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक है। इसमें क्या किया, आपने फैट नहीं लेते हम, जैसे ये पेशेंट है, ये इसका पेनिस हो गया, और यहां से एक स्किन निकाल लेते हैं, और साथ में स्किन के साथ साथ ऐसे स्किन निकाल लेते हैं, और साथ के स्किन के साथ साथ फैट भी निकाल लेते हैं। जहां से निकाला उसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा पतली लाइन आ जाएगी, वो दिखाई नहीं देती, और फिर उस जो ये स्किन है, जैसे ये स्किन है और उसके नीचे ये फैट की भी लेयर है, दोनों को एक पेनिस की स्किन, जैसे ये पेनिस है, इसको रोल कर लेते हैं, मतलब इसको गोल बना लेते हैं, जैसे ये पेनिस है, पेनिस के ऊपर इसको ऐसे लपेट देते हैं, जैसे रजाई सिलते हैं ना, इस तरह से इसको हम लपेट देते हैं, इसको गोल करके पेनिस के चारों तरफ लपेट देते हैं, पेनिस की स्किन को नीचे उतारते हैं, उसके अंदर इसको रजाई की तरह लपेट दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर दोबारा से पेनिस की स्किन चढ़ा दी जाती है, तो पेनिस मोटा हो जाता है। लेकिन इस सब प्रोसीजर हमने जो किए उसमें एक है कि पेनिस की जो टिप है ऊपर, ये कमर मोटी हुई है, उसका सिर मोटा नहीं हुआ पेनिस का, उसकी मुंडी मोटी नहीं हुई, उसका ग्लैंस पेनिस मोटा नहीं हुआ। ग्लैंस पेनिस को मोटा करने के लिए क्या करना है? कुछ भी अगर आप डर्मल फैट वगैरह डालोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बहुत ब्लीडिंग करेगा। सबसे सेफ तरीका है इसमें फिलर्स डालो, फिलर्स इसके साथ साथ, फैट ग्राफ्टिंग के साथ साथ या डर्मल फैट के साथ इसमें फिलर डालने चाहिए। नेचुरल है, आपने नेचुरली ही पेशेंट का पेनिस का गर्थ बढ़ाया है, उसके अपने बॉडी टिश्यू से ही बढ़ाया है, तो कोई साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, सेफ रहता है, रिएक्शन नहीं करता उनसे, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी का ही पार्ट है। तो आपने अगर कभी भी पेनिस की गर्थ को बढ़ाना है तो आपको उसी पेशेंट का टिश्यू लेना चाहिए। एक मेथड है जो अमेरिका में कुछ एक सर्जन है वो बहुत पॉपुलर करते हैं, वो है सिलिकॉन, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ना ही वो इम्प्लांट यहाँ पे ठीक क्वालिटी के मिलते हैं। उसमें यह है कि जैसे ये पेनिस हुआ, इसमें ये मैंने बताया ये बीच का है जहाँ पे इरेक्शन आती है, तो इनके चारों तरफ इस एरिया में एक सिलिकॉन की ट्यूब होती है, वो उसको
पेनिस की स्किन को उतारा और उसको चारों तरफ लपेट दिया, जैसे डर्मल फैट ग्राफ्टिंग लपेटते हैं वैसे सिलिकॉन लपेट दो। नुकसान ये होता है कि एक तो सिलिकॉन फॉरेन बॉडी है, बहुत सुपरफिशियल डाल दी, तो कहीं से भी उसको जहां पे भी इंसिजन लगाया, या तो पेनिस की टोपी से इस जंक्शन से, या फिर यहां से एक्सपोज होने का डर रहता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है। तो ये लीस्ट कॉमन मेथड है जो किया जाता है कहीं पे भी, एक ही सर्जन करते हैं, ज्यादा पॉपुलर अमेरिका में, और ज्यादा लोग इसको नहीं करते, तो ये आप अवॉइड करें। उसके अलावा आप डबल फैट ग्राफ्टिंग और ये कर सकते हैं। ग्लैंड पेनिस यानी उसकी मुंडी को मोटा करने के लिए बड़ा सेफ तरीका है, फिलर्स यूज करो, टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप फिलर यूज करते हैं तो उससे पेनिस की सेक्स करने की टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाती है। तो आज हमने ये सब मेथड्स देखे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आशा करता हूँ आपको ये वाला क्लास अच्छी लगी होगी, ये वाली नॉलेज आपको अपने आपको फायदेमंद लगी होगी, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।